गुड मॉर्निंग। हेलो, किसी को सवाल पूछना है कोई? सर, स्वतंत्रता संग्राम स्वतंत्रता से पहले कैसे मनाए गए? स्वतंत्रता संग्राम हाँ, स्वतंत्रता दिवस संग्राम दिवस यूएस? दिवस दिवस अरे वो तो जैसे हम लोग प्रतीकात्मक मनाते थे ना, गांधी जी के नेतृत्व में अच्छा। पूरे भारत ने मिलकर प्रतीकात्मक मनाया था, सिम्बलोटिक, है ना, प्रतीकात्मक, प्रतीक। देखो होता क्या है कि माना ऐसा हो जाएगा, है ना, मानने को तो कोई मान सकता है। तो भारतीयों ने ऐसा माना बोलिए था कि 30 जनवरी को हम लोग क्या मनाएंगे, आजादी दिवस मनाएंगे। और मना तो कभी भी सकते हैं, किसने मना किया है कि नहीं? एक तो होता है वैधानिक, वैधानिक, वैधानिक का अर्थ क्या होता है, वैलिडिटी, कि सरकार क्या दे, परमिशन दे, ब्रिटिश जा चुके हैं, और तब अगर कोई काम होता तो वो तो क्या कहलाता, वैधानिक कहलाता, वैलिड कहलाता। लेकिन यहां से ना तो अंग्रेज गए और ना ही ऐसा कुछ हुआ, केवल हमने प्रतीक के रूप में, दिखावे के रूप में, या यूं कहें कि भारतीय मान रहे थे कि हम क्या हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं। इस तरीके से हम लोग एक प्रेशर बनाना चाह रहे थे, किस पर, अंग्रेजों पर। इस तरीके का ये क्या था, प्रतीकात्मक था। और बताओ, और कोई क्वेश्चन है? ठीक है, आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा, संविधान सभा। संविधान सभा, संविधान सभा को पढ़ने से पहले दो तीन बातें आप अच्छे से ध्यान से सुने। एक तो राइट ऑन का ऑप्शन रखें आप, जैसे ही नोटबुक आप साथ रखेंगे तो उसका फायदा क्या होगा, क्लास वर्क बेस्ट स्टडी वर्क होता है। अगर आपको घर जाके पढ़ने के लिए, घर से अलग से पढ़ने के लिए कहा जाए तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या डिस्कशन हुआ था क्या नहीं। तो साथ के साथ आप राइट करते जाएं। वैसे भी मैं क्वेश्चन आंसर ही पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर टाइप में, तो अपने को क्वेश्चन पता होना चाहिए और उसका आंसर पता होना चाहिए, ताकि हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर सकें। पहला आज का सवाल क्या है, संविधान सभा पर टिप्पणी लिखें, या इसके तीन बिंदु अपने दे रखे हैं, संविधान सभा किस प्रकार से बनी, संविधान सभा के कार्य, और संविधान को प्रचलन में लाने के तरीके। तीनों को हम एक साथ ही पढ़ने वाले हैं, तो आप हेडिंग बना लीजिए, संविधान सभा पर टिप्पणी। सबसे पहला तो ये, संविधान किसे कहते हैं, संविधान किसे कहते हैं, सबसे पहला सवाल तो ये कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान किसे कहते हैं, इसका सीधा सा सिंपल आंसर, नियम व कानूनों, नियम व कानूनों का संग्रह, नियम व कानूनों का संग्रह क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। तो हमें दो चीजें याद रखनी है, या तो उसमें क्या हो नियम, या इसमें क्या हो कानून, और दोनों का संग्रहण क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। आपके यहाँ तीन उदाहरण दे रखे हैं, ब्रिटेन, अमेरिका और साउथ अफ्रीका। तीन के उदाहरण आपको दे रखे हैं। अमेरिका का तो हम डिटेल से पढ़े ही पढ़ेंगे, दोहरी स्तरीय व्यवस्था होती है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है, प्रेसिडेंट पावरफुल होता है, सीनेट क्या होती है, कांग्रेस क्या होती है, सारी चीजें, डेमोक्रेटिक पार्टी क्या है, रिपब्लिक पार्टी क्या है, ये सब डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसको तो हम रख लेते हैं साइड में, इसको बाद में करेंगे डिटेल से जब पढ़ेंगे तब। ये दो देख लेते हैं हम लोग, आपको ध्यान में होना चाहिए, सवाल आ जाए, संसदों की जननी, संसदों की जननी, संसदों की
जननी किसे कहा जाता है? संसदों की जननी किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या आएगा? ब्रिटेन को। ब्रिटेन की संसद को कहा जाता है। यहीं से संसदों की शुरुआत मानी जाती है और स्पेशली भारत की तो यहीं से है ही है। तो सवाल क्या आएगा? संसदों की जननी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ब्रिटेन की संसद को कहा जाता है। नंबर एक बात। नंबर दो, इसमें अगर संविधान की बात देखें तो वास्तव में संविधान कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के। कैसे? एक लिखित और दूसरा क्या है? अलिखित। लिखित और अलिखित। अब इसमें फायदा क्या? हम बात कर चुके थे नियम कानून बनाते समय, ऐसे नियम और कानून जो क्या होते हैं, लिखित होते हैं, वो ज्यादा अच्छे होते हैं। ऐसे नियम कानून जो अलिखित होते हैं वो क्या हैं? चेंजेबल हो सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार कभी भी मनुष्य उसे बदल सकता है, इसीलिए वो सही चीज नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान की। ब्रिटेन के संविधान का एक प्रसिद्ध कथन है, राजा मर गया तथा राजा चिरायु हो। राजा मर गया तथा राजा चिरायु हो। अब ये कंफ्यूज करने वाला कथन है। ब्रिटेन में संसद को लेकर, शासन व्यवस्था को लेकर यही कथन चलता है कि राजा था वो मर गया, उसका शासन भी मर गया है और राजा पूरी तरीके से अब काम नहीं कर रहा है। लेकिन राजा जो नाम मात्र का है, कौन सा? नाम मात्र का, वो आजीवन चलता रहेगा। आप जानते हैं ब्रिटेन में जन्मजात, ब्रिटेन में जन्मजात नाम मात्र की कार्यपालिका चलती है, नाम मात्र की कार्यपालिका चलती है। अब ये नाम मात्र की कार्यपालिका क्या हुई? कार्यपालिका के प्रकार हमने पढ़े थे। कार्यपालिका कितने प्रकार की भारत में? दो प्रकार की। सब जगह ही दोनों प्रकार की होती है? कार्यपालिका कितने प्रकार की? दो। एक तो कौन है? राष्ट्रपति जी, जो कहाँ पाए जाते हैं? केंद्र में। दूसरे कौन से? राज्यपाल, जो कहाँ पाए जाते हैं? राज्यों में पाए जाते हैं। तो कार्यपालिका वास्तव में कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है। पहला कौन सा? राष्ट्रपति जी, जो कहाँ पाए जाते हैं? केंद्र में पाए जाते हैं। दूसरे राज्यपाल, जो कहाँ पाए जाते हैं? राज्यों में पाए जाते हैं। तो जो राजा होता है वो किसके बराबर होता है? राष्ट्रपति के बराबर होता है भारत में। इसीलिए राजा मर गया तथा राजा चिरायु हो, लंबी आयु हो राजा की। राजा का शासन तो मर गया, इसका मतलब ये है, लेकिन जो राजा का पद है वो आजीवन चलता ही रहेगा। ये ब्रिटेन के शासन की व्यवस्था का उदाहरण है। अब संविधान कैसा है, क्या है? हाँ, चिरायु का मीन्स, चिरायु का मतलब लंबी आयु। अब वहां का संविधान क्या है क्या नहीं है, ये सारी बातें हम देखते हैं। तो भारत में जो ज्यादातर चीजें हैं, चाहे वो संसदीय शासन व्यवस्था हो, चाहे वो लोकतंत्र हो, लगभग सारी व्यवस्था ब्रिटेन से टिपी गई है। तो ये बड़ा सवाल आ गया, हम देखें भी कि कौन कौन सी चीजें ब्रिटेन से हमने ली हैं। वो सारी चीजें हम डिटेल से अभी देखने वाले हैं। जब चैप्टर खत्म होगा तो लास्ट पेज पे आपको पता होगा, आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए, ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन व्यवस्था ली, बहुत सारी चीजें, जैसे फ्रांस से हमने स्वतंत्रता समानता बंधुता ली, कनाडा से हमने संघीय व्यवस्था ली है, एक राष्ट्र की बात कही है या संघीय शासन व्यवस्था की बात कही है, सभी राज्यों को साथ लेकर चलने की बात कही है, जर्मनी से हमने क्या लिया है, आपातकालीन व्यवस्थाएं ली हैं। तो ये सारी चीजें हमने कहाँ से क्या लिया है, हम डिटेल से पढ़ेंगे। ब्रिटेन के संविधान से हम ये सीख सकते हैं कि भारत की जो ज्यादातर व्यवस्थाएं हैं वो कहाँ से ली हैं, ब्रिटेन से ही ली गई हैं। तो भारत, जब हम पढ़ेंगे संविधान सभा और संविधान,
तो वो सारी चीजें लगभग कहाँ से ही हैं, अपने ब्रिटेन की ही हैं, इसीलिए इसको भी यहीं कंप्लीट कर देते हैं। बचा साउथ अफ्रीका, इसके बारे में हमें हल्का सा ध्यान होना चाहिए। साउथ अफ्रीका में दो तीन लोग थे, एक तो थे नेल्सन मंडेला, आपने पढ़ा होगा इनको कभी ना कभी, नेल्सन मंडेला। एक थे कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, और एक थे स्थानीय लोग, स्थानीय लोग। ये स्टोरी ध्यान से सुनना, काम आएगी अपने। नेल्सन मंडेला कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका में है। कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ है? ये भी दक्षिण अफ्रीका में है। और स्थानीय लोग भी कहाँ के हैं? दक्षिणी अफ्रीका के ही हैं। और इन पर राज किसका है दक्षिणी अफ्रीका पर? गोरे लोगों का। वे ही गोरे लोग जिनका राज हम पर भी था। कौन से गोरे लोग? वे गोरे लोग जिनका राज किस पर भी था? हमारे ऊपर भी था। वे के वे ही गोरे लोग यहाँ भी राज कर रहे हैं। इसका मतलब राज किसका है? ब्रिटेन का राज यहाँ पर है। साउथ अफ्रीका में सबसे बड़ा जो रोना था वो किसका था? रंग भेद की नीति का था। यहाँ जो विवाद हुआ वो किसका विवाद था? रंग भेद का। रंग भेद का नियम क्या है या नीति क्या है? श्वेत व अश्वेत के मध्य भेदभाव। श्वेत का मतलब गोरे लोग, अश्वेत का मतलब काले लोग। और इनमें अंतर क्या था कि चमड़ी के आधार पर, रंग के आधार पर भेदभाव इनमें होता था। अश्वेत लोगों को श्वेत गोरे लोगों की बस्तियों तक जाने की परमिशन नहीं थी। खाना पीना, रेस्टोरेंट, स्कूल, हॉस्पिटल्स, विद्यालय, ये सारी चीजें ये क्या रखते थे? अलग अलग रखते थे। इनमें सबसे बड़ा जो समस्या इनके साथ थी, छुआछूत टाइप का मामला था, अस्पृश्य टाइप का मामला था। अश्वेत लोगों को ना के बराबर अधिकार दिए गए थे, और अंग्रेजों का शोषण कितना भयंकर था ये हमने भारत में अच्छे से देख ही रखा था। तो यहाँ पर क्या हुआ, श्वेत और अश्वेत का मामला था। आपको पता होगा गांधी जी भी कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका गए थे। कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका। और इनके साथ भी कौन सा व्यवहार किया गया था? अश्वेत का ही। इनको कहाँ से उतार दिया गया था? ट्रेन से उतार दिया गया था। इसके बाद ही इन्होंने अश्वेत और रंग भेद की नीति का खुलकर विरोध किया। किसने? गांधी जी ने विरोध किया। किसका? रंग भेद की या अश्वेत की नीति का विरोध खुलकर किया। कारण क्या था? गांधी जी ने माना कि हम सब क्या है? समान है, और इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो साउथ अफ्रीका में क्या बीमारी थी समझ में आया? कि रंग भेद की नीति का अनुसरण कर रहे थे वहां के शासक, काले लोगों को किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं थी। और सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा था वो उठ रहा था कि गोरे लोग ज्यादा महान हैं और काले लोग क्या हैं? कमजोर हैं, और इनको मुख्य धारा में शामिल नहीं किया जा सकता है। इसीलिए ये विवाद ज्यादा बढ़ता ही चला गया। और फिर ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि यहाँ 1950 से साउथ अफ्रीका में 1950 से क्या होने लग गए? आंदोलन होने लग गए, और ये आंदोलन भयंकर वाले हुए। फिर अंग्रेजों के खिलाफ ये आंदोलन बढ़ते ही चले गए, जो आजादी तक जाकर रुके। इसमें नेल्सन मंडेला को 28 वर्ष तक जेल में रखा गया। कितने वर्ष रखा गया? 28 वर्ष तक जेल में रखा गया। और 26 अप्रैल 1994 को इनको 28 साल बाद रिहा किया गया। किनको? नेल्सन मंडेला को रिहा किया गया, वो राष्ट्रपिता बाद में बने। अब इन्होंने, स्थानीय लोगों ने किसका साथ दिया? कम्युनिस्टों का साथ दिया। स्थानीय लोगों का साथ किसको मिला? नेल्सन मंडेला को मिला। और नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में यहाँ क्या हुए? बड़े आंदोलन हुए। अब समझने वाली बात यह है कि साउथ अफ्रीका के जो आंदोलन थे वो संविधान तक कैसे पहुंचे। इन्होंने जब आजादी के बाद, नेल्सन मंडेला की आजादी के बाद दो वर्षों में क्या बना लिया? संविधान बना लिया। और दुनिया का बेहतरीन संविधान है ये, आपको ध्यान होना चाहिए। दुनिया के बेहतरीन संविधान का उदाहरण क्या है? साउथ अफ्रीका का।
संविधान है। क्यों है? क्योंकि जिस संविधान में अपने अधिकारों की बात की जाए, नागरिकों के अधिकार ज्यादा से ज्यादा दिए जाएं, वही संविधान सबसे ज्यादा अच्छा कहलाता है। अगर हम यूं कहें कि भारत का संविधान बहुत अच्छा है तो ठीक है, क्योंकि इसमें मूल अधिकार दे रखे हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका हमसे भी ज्यादा अच्छा है। क्यों? वहां बहुत ज्यादा अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को दिए गए, एक बात। दूसरी बात, मूल अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य और राज्य को इस तरीके से एडजस्ट किया गया है कि वहां स्वतंत्रता बहुत जबरदस्त तरीके से नागरिकों को मिलेगी। इतने लंबे संघर्ष के बाद जब आजादी मिली, लेकिन वो आजादी कैसी मिली? बहुत शानदार मिली। दुनिया के बहुत सारे देश किसकी अनुकरण कर रहे हैं? साउथ अफ्रीका के संविधान का अनुकरण कर रहे हैं, क्योंकि इतना बेहतरीन संविधान बना है जिसका अनुकरण करना अनिवार्य है। सभी लोग इसकी जांच कर रहे हैं और अपने संविधानों में परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। यहां तक कुछ पूछना हो तो बताओ। प्रिया? नो सर। ठीक है, अब करते हैं भारत के संविधान की बात। ये आपकी किताब में कहीं नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको। आपकी किताब में केवल नाम लिख के छोड़ दिया गया है, इसीलिए ये बहुत सारी बातें आपको लिखना क्या हो जाती हैं? कंपलसरी हो जाती है। अब करते हैं भारत का संविधान। मेरे साथ आप क्वेश्चन लिखते जाएं। भारत का संविधान किसने बनाया? भारत का संविधान किसने बनाया? किसने बनाया? आंसर आएगा संविधान सभा ने। संविधान सभा ने। अगला सवाल, संविधान सभा के कुल सदस्य संख्या, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 389। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 389। सर, हाँ जी सर, भारत का संविधान तो भारतीय जनता ने बनाया था ना। जनता में कौन शामिल था? संविधान सभा के सदस्य पूरे देश की जनता होगी ना उसमें। पूरी देश की जनता में अपने घर वाले गए थे क्या? नहीं। क्या हम लोग गए थे? क्या हमारे पूर्वज गए थे? क्या नहीं। जो लोग उस समय थे वो निर्वाचित होकर, मनोनीत होकर किसमें शामिल हुए थे? संविधान सभा में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपकी बात बहुत ध्यान से सुनना, आज अगर नियम कानून बनाए तो क्या जनता बनाएगी? क्या नहीं। कौन बनाएगी? संसद। क्या मैं बनाऊंगा? क्या नहीं। क्या आपके घर वाले बनाएंगे? क्या नहीं। क्या आरबी सर बनाएंगे? क्या नहीं। क्या प्रिंसिपल सर बनाएंगे? क्या नहीं। कौन बनाएगा? संसद। इनको किसने चुना है? हमने चुना है। आ रही है बेटा बात समझ में? यस सर। देखो ऐसे नहीं, जनता ने किसको चुना? संविधान सभा को चुना, और संविधान सभा ने क्या बनाया? कानून। इसका मतलब मेन पावर तो कौन है? जनता ही है। और किसके माध्यम से बना रही है? संविधान सभा के माध्यम से बना रही है। ठीक है, और कुछ पूछना है? यस सर। बताओ सर। ठीक है, तो भारत का संविधान किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया। कैसे बनाया? जनता के माध्यम से। देखो ऐसे, देखो इसको, जनता के माध्यम से। ये क्या हुआ? कुछ तो क्या हुए? निर्वाचित। कुछ क्या हुए? मनोनीत। और उससे क्या बन गई? संविधान सभा। और उस संविधान सभा ने क्या बनाया? कानून बनाया। आज कोई कहे कि भारत की अंतिम शक्ति जनता में होती है, तो मेरे से तो मोदी जी ने पूछा ही नहीं था। मेरे से तो मोदी जी कोई राय लेते ही नहीं है, फिर हमारी राय कहाँ हुई? है कि नहीं? हम क्या हैं? जनता। मैं क्या हूं? जनता। मैंने वोट किसको दिया? सांसद साहब को। सांसद किसके सदस्य हैं? संसद के। और कानून कौन बनाती है? संसद। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है,
संविधान के कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389 में से आप जानते हो कि पाकिस्तान और भारत दोनों के मिलकर 389 थे, या तो किसके थे? पाकिस्तान के, और इसी में शामिल कौन थे? भारत वाले भी थे। कुल मिला के कितने थे? 389 लोग थे। इसमें से कौन हट गए? पाकिस्तान वाले हट गए, तो बचे कौन? भारत वाले। तो भारतीय संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या ये कितनी आएगी? 299। अब सवाल आपका जायज बनेगा, भारत का संविधान कितने लोगों ने बनाया? 299 लोगों ने, क्योंकि ये तो क्या थे? टोटल संख्या थी जो निर्वाचित मनोनीत होकर आए थे, लेकिन इसमें से पाकिस्तान वाले तो पहले ही निकल लिए। उन्होंने कहा भाई हम तो अलग बनाएंगे, तुम्हारे साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो पाकिस्तान की संविधान सभा का मामला तो हो गया साइड में, तो उनके सदस्य भी क्या हो गए? साइड में। बच्चे कौन से? भारतीय। तो 299 लोगों ने भारत का संविधान बनाया था। बताओ यहां क्या कंफ्यूजन है? क्लियर? हमने 3 सवाल किए। संविधान किसे कहते हैं? नियम कानूनों के संग्रह को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान सभा ने किया। देखो पॉलिटिकल के एग्जाम्पल एक कैसे देखना है, अपने ऊपर देखने हैं। जितने भी पॉलिटिकल अपना घर है पूरा का पूरा, अगर पॉलिटिकल को समझना है तो परिवार को समझना है। दादाजी राष्ट्रपति जी हैं, पिताजी प्रधानमंत्री जी हैं, चाचा वगैरह वो सब हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, आप सब लोग कौन हो? सांसद हो। और जैसा घर में आपस में संबंध चलते हैं वैसे ही संबंध हमारे देश में राजनीति में चलते हैं। आपने देखा होगा दादाजी कोई काम नहीं करते लेकिन नाम हर जगह दादाजी का आता है, चाहे वो शादी का कार्ड हो, चाहे वो कहीं सगाई संबंध करने हो, चाहे वो परिवार का कोई उत्सव हो, नाम दादाजी का। काम कौन करते हैं? पिताजी। ऐसा होता है कि नहीं होता? आवाज आ रही है? हाँ। ये किस लिए हो रहा है? ये सेम फंक्शन संसदीय शासन व्यवस्था का है। राष्ट्रपति जी का नाम चलता है और प्रधानमंत्री जी कार्य करते हैं, तो अपन दादाजी को राष्ट्रपति मान ले तो प्रधानमंत्री जी कौन हो गए? पिताजी हो गए, और हम सब क्या हो गए? सांसद हो गए। तो अपने ऊपर अगर टॉपिक को लेके देखेंगे हम लोग तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आगे हम पढ़ेंगे मार्क्सवाद, पढ़ेंगे उदारवाद, पढ़ेंगे साम्यवाद, समाजवाद, फासीवाद, तो वहां जब राज्य और घटनाक्रम को पढ़ेंगे तो अपने आप को देखोगे कि राज्य ऐसा होना चाहिए, आम आदमी की ये कमियां होनी चाहिए, ये ऐसी मांग क्यों कर रहा है, तो फिर वहां अपने आप को जब रखेंगे तो ही वो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं। जैसे मार्क्स कहता है वर्ग संघर्ष की बात, कि समाज में दो ही वर्ग होते हैं, एक गरीब वर्ग और एक अमीर वर्ग, है ना, और दोनों में क्या पाई जाती है? लड़ाई पाई जाती है। अब मार्क्स को अपनी जगह रखकर अगर अपन देखेंगे तो ही वो सिद्धांत समझ में आता, नहीं तो नहीं। मार्क्स ने ऐसा क्यों कहा? गरीबों की क्या समस्याएं थी, अमीरों की क्या समस्याएं थी, दो ही वर्गों की बात क्यों की? तो अपन रटने पर अगर जाएंगे तो संभव है ही नहीं। हमें क्या समझना है कि वास्तव में हुआ क्यों और उसमें कौन सी कंडीशन अप्लाई थी, या ये सिद्धांत है क्या? अगर हम सिद्धांतों की तरफ जाएंगे, हम थ्योरीज की तरफ जाएंगे तो पॉलिटिकल हमारे लिए बहुत इजी होती चली जाएगी, अगर रटने पर जाएंगे तो फिर मामला गड़बड़ होता ही चला जाएगा। कोई भी आपसे पूछे भारत का संविधान किसने बनाया तो सीधी सी बात, वो कहे जनता ने, उन्होंने कहा आपने बनाया क्या, तो फिर उसका सवाल आएगा नहीं तो फिर जनता कैसे हुई, तो उसको फिर कहना कि प्रतिनिधि मूलक व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? प्रतिनिधि मूलक व्यवस्था है, इसीलिए हमने नहीं बनाया। तो सवाल याद हो गया कि संविधान में कौन, हमारे यहाँ कौन सी व्यवस्था चलती है? प्रतिनिधि मूलक व्यवस्था चलती है। देख लो क्या होता है, हम क्या है? जनता। हम क्या है? जनता। हमने हमारा क्या चुना? प्रतिनिधि चुना। हमने प्रतिनिधि चुना, प्रतिनिधि कौन है? सांसद। और सांसद साहब ने अपना प्रतिनिधि चुना कौन? प्रधानमंत्री। तो प्रतिनिधि का प्रतिनिधि कौन सी व्यवस्था कहलाती है? प्रतिनिधि मूलक व्यवस्था कहलाती है।
और हमारा ही काम कौन कर रहे हैं, सांसद साहब मोदी जी कर रहे हैं। हमारी ही बात संसद में कौन रख रहे हैं, सांसद साहब रख रहे हैं। हमारे यहाँ से जैसे राज्यवर्धन सिंह जी हैं, तो जो राज्यवर्धन सिंह जी कह रहे हैं वो मैं ही कह रहा हूं, क्योंकि हमने वोट किसको दिया है, राज्यवर्धन सिंह जी को दिया है, जो सांसद है आमेर से। आपको शायद सापरा से है, शायद आप देखना यहाँ से कौन है अपने सांसद। तो जिन सांसदों को आपने वोट दिया है वो आपकी बात कह रहे हैं। यहां तक कुछ पूछना है बेटा? नो सर। अब आगे देखना इसमें सवाल, सवाल बनेगा अगला, भारत के संविधान पर, भारत के संविधान पर कितने लोगों ने भारत के संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर किए, तो कितने लोग हो जाएंगे इसमें, 284 लोग हो जाएंगे। 284 लोगों ने भारत के संविधान पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे, तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ तीन आंकड़े अपने पास आ गए, यदि पूछे कुल सदस्यों की संख्या तो कितनी, 389 सदस्यों की संख्या थी किसकी, संविधान सभा की। अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कौन से वाले की, भारतीय वाले की, तो कितनी होगी, 299 हो जाएगी। अगर आपसे पूछे भारत के संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए, तो 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। आप चाहें तो ये मूल संविधान आज भी देख सकते हैं, ये अपने संसद भवन है दिल्ली के अंदर, उसकी मुख्य लाइब्रेरी में ये रखा हुआ है, और आज भी ओरिजिनल प्रति, जो ओरिजिनल कॉपी है वो वहां पर आप देख सकते हैं। अब देखते हैं बनावट, संविधान सभा की पहली बैठक आइडिया है कुछ कब हुई? नो सर। 9 दिसंबर 1946 को हुई, और इसके अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, और ये कैसे अध्यक्ष थे, अस्थाई अध्यक्ष थे, अस्थाई अध्यक्ष थे। थोड़ा सा याद रखना है, सवाल पूछ ले आपसे संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। कब हुई पहली बैठक, 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई। दूसरी बैठक कब हुई, 11 दिसंबर 1946। वेरी गुड, 11 दिसंबर 1946 को हुई, और इसमें अध्यक्ष कौन आ गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आ गए, राजेंद्र प्रसाद कैसे थे, स्थाई थे, स्थाई अध्यक्ष थे, स्थाई अध्यक्ष थे। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949। हाँ, संविधान बनकर तैयार हुआ, ये हुआ 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। और ये क्यों हुआ था, इसी की शुरुआत हमने आज क्लास से की थी। तो संविधान सभा से संबंधित सारे मामले अपने सॉर्ट आउट हो गए, यहां तक दो बातें अपने और बची हैं, वो देखते हैं, इसकी प्रक्रिया क्रियाविधि, दो हो चुकी, एक बची है प्रक्रिया क्रियाविधि बची है, कैसे इसमें काम हुआ, बाकी सब कंप्लीट है। बताओ भाई यहां तक कोई क्वेश्चन, ज्योति प्रिया बेटा कुछ पूछना है क्या? नो सर। ठीक है।
अब देखो संविधान की प्रक्रिया या कार्य प्रणाली, बस संविधान यहां पर खत्म। संविधान सभा के तीन बिंदु थे, दो अपन ने कर लिए, एक और बचा है। देखो हुआ क्या, हर मुद्दे पर बहस होना, डिबेट्स होना जरूरी है, बहस होना। अब बहस भी दो प्रकार की, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी बच्चे ने, मैं नाम लेता हूं प्रिया का, प्रिया कंवर ने मेरे से कोई सवाल पूछा, या निकिता यादव ने मेरे से कोई सवाल पूछा, एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, और मैंने इतने बुरी तरीके से रिएक्ट किया, भयंकर तरीके से, आपको कुछ आता नहीं है, आप हमेशा सवाल पूछते रहते हो, आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर ऐसे कर भी देते हैं, आपने देखा ये क्या हो रही है, बहस नहीं हो रही, ये विवाद है। क्या है? विवाद। बहस क्या होती है? आपने क्या किया? सवाल। मैं कितना भी आक्रामक हो जाऊं, आक्रामक, लेकिन मैं क्या दूं? केवल जवाब। समझ रहे हो मेरी बात कि बहस और विवाद में क्या अंतर है? ये आपको समझना चाहिए कि जैसे किसी बच्चे ने मेरे से सवाल पूछा, मैं बुरी तरीके से भड़क गया, तेरे को कुछ नहीं आता है, हमेशा परेशान करता रहता है, तू कल वाला बता मेरे को, कल क्या आया था, और वो है, ये क्या बढ़ गया? विवाद बढ़ गया। बहस क्या है? सवाल का क्या देना? जवाब, चाहे कितना भी आक्रामक हो जाए, है कि नहीं है? हमारा उद्देश्य एकमात्र है यहाँ सिर्फ पढ़ाई करना। क्या है? पढ़ाई करना। पर्सनल लाइफ ने मैं आपके नहीं जाना चाहता, आप मेरे नहीं जाना चाहते, ये क्या चल रही है? एक बहस। अच्छा, वाद विवाद हो सकता है, विवाद अलग चीज है, वाद विवाद अलग चीज है। तो भारत के संविधान में केवल और केवल क्या थी? बहस ही थी। चाहे कोई कितना भी आक्रामक होकर जवाब दे दे, लेकिन उस सवाल जवाब का दायरा उस बैठक पर ही होता था, पर्सनली कोई नहीं लेके जाता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ बहुत सेंसिटिव टॉपिक भी पढ़ेंगे, जैसे महिलाओं की शिक्षा का पढ़ेंगे, तो आप में से बहुत सारी लड़कियां कहेंगे सर महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए, तो कई विचारक ऐसे हुए नहीं हुए, नहीं मिलने चाहिए, और मैंने भी आपसे कह दिया कि महिलाओं को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। अब कई बच्चियां नाराज हो जाएंगी, सर आपने ऐसे कैसे कह दिया, है कि नहीं है? नहीं मिलनी चाहिए, ये मेरे विचार है पर्सनल, है कि नहीं है? तो ये क्या है? बहस का मुद्दा है। एक सही की पक्ष रखेगा, एक गलत की पक्ष रखेगा, और हमारा उद्देश्य केवल और केवल क्या मात्र है? स्टडी करना है, पर्सनल कमेंट करना नहीं है। यही संविधान सभा का भी रूप था कि संविधान में किसी भी मुद्दे पर क्या किया गया? सवाल, और उसके जवाब में चाहे कितना भी आक्रामक हो जाए व्यक्ति, लेकिन वो पर्सनल कमेंट कभी नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सवाल पूछा कि सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते हो, आप किसी बच्चे ने मेरे से कहा कि आप अच्छा नहीं पढ़ाते हो, तो मेरा उद्देश्य उसको संतुष्ट करना होना चाहिए, जबकि ये नहीं कि तू क्लास छोड़ के चला जा और मत आया कर, किसी और से पढ़ ले, ये क्या हो जाएगा? विवाद हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। संविधान में क्या हुई? बहस हुई, डिबेट्स हुई। एक तरफ क्या पूछा गया? सवाल। और दूसरी तरफ क्या दिया गया? जवाब। और ये जवाब कैसे थे? उस मुद्दे से संबंधित ही थे। किसी ने पर्सनल कमेंट नहीं किए, किसी ने अपने आप को नाराज नहीं किया, किसी ने किसी विवाद को नहीं बढ़ाया, केवल वो केवल सभा से संबंधित काम करते थे, नियम कानूनों से संबंधित काम करते थे। और चाहे वो कितने भी तीखी बहस तक चले जाए, कितने भी आक्रामक सवाल जवाब हो जाए उस टॉपिक से संबंधित, कभी कोई नाराज नहीं हुआ, कभी कोई किसी को पर्सनल मैटर पे नहीं गया, बहुत आसानी से वो काम कर रहे थे। और जैसे ही वो मीटिंग खत्म होती थी, उनमें वैसे ही प्रेम होता था जैसे पहले उनमें रहा था। तो ये संविधान सभा की कार्य प्रणाली की श्रेष्ठता का उदाहरण है। यही स्टूडेंट और टीचर के मध्य होना चाहिए, ये पिता और पुत्र, माता और पुत्रा, पुत्र पुत्री के मध्य होना चाहिए। आपने देखा होगा पेरेंट्स भी कई बार डांट देते हैं, वो आपके भले के लिए डांटते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको आपसे प्रेम नहीं है, है, लेकिन वो क्या चाह रहे हैं? आपसे सवाल करना चाह रहे हैं कि बेटा जब इतना पैसा लग रहा है तो आप पढ़ क्यों नहीं रहे हो। तो आपका जवाब भी कैसा होना चाहिए था? सॉफ्ट होना चाहिए था। और अगर आक्रामक दे भी दिया तो उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, विवाद हो रहा है, जबकि ये क्या होनी चाहिए? एक उचित बहस होनी चाहिए। तो संविधान सभा की कार्य प्रणाली में क्या थी? बहस थी, वाद विवाद था, विवाद नहीं बढ़ाया गया, और शांतिपूर्वक हर मुद्दे पर उन्होंने बैठकर डिस्कशन किया और क्या होना चाहिए और क्या नहीं। उसमें जब बहस होने के बाद मतदान हुए
मतदान में जिस चीज को जीतकर आया या जो चीज जीतकर आई उसे जोड़ दिया गया और जिसको समर्थन नहीं मिला उसे हटा दिया गया। कुल मिलाकर इस पर बहस होने के बाद जो परिणाम निकला, क्या निकला? परिणाम निकला। उस परिणाम में क्या निकला? मतदान के आधार पर उसे तो क्या कर दिया, संविधान में जोड़ दिया गया और बाकी सब क्या कर दिया, हटा दिया गया। तो ये बहस और कार्य प्रणाली समझ में आई? यहां तक कुछ पूछना है? संविधान में जो बहस थी वो कैसी थी? उचित थी। क्लियर है बेटा? यस सर। इसके बाद यहाँ पर एक सवाल और बनेगा कि भारत के संविधान में सबसे ज्यादा बहस वाला मुद्दा कौन सा था? तो कौन सा था? भाषा वाला था। कौन सा है? भाषा वाला मुद्दा सबसे ज्यादा बहस वाला विवादित मुद्दा था। आप जानते हैं, जैसे मान लो ये इंडिया मान लो मैं, तो दक्षिणी भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है? अंग्रेजी। पश्चिमी भारत में कौन सी? मराठी। मराठी, मारवाड़ी, अपने राजस्थानी, देहाती अपन कौन सी बोलते हैं? अपने को खुद को ही नहीं पता। हम कुछ हिंदी बोलते हैं, कुछ मारवाड़ी बोलते हैं, कुछ अरबी के शब्द लेते हैं, कुछ अंग्रेजी के, तो हम तो खिचड़ी भाषा बोलते हैं, है कि नहीं है? पूर्वोत्तर भारत में देखे तो अंग्रेजी बोली जाती है, ऊपर कश्मीरी बोली जाती है, नीचे गोवा में गोमांती कोकणनी बोली जाती है। तो आप बताओ कौन सी भाषा भारत की बनाए? अगर हिंदी बनाते हैं तो दक्षिण वाले नाराज, अंग्रेजी बनाते हैं तो अपने को कुछ नहीं आता। तो कुल मिला के सबसे बड़ा, आपको पूछा जाए भारत के संविधान में सबसे बड़ा विवादित मुद्दा कौन सा रहा, तो भाषा का विवादित मुद्दा रहा। संविधान में अभी कितनी भाषाएं हैं? 22। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आपकी राजस्थानी भाषा नहीं है इसमें शामिल। राजस्थानी भाषा इसमें शामिल नहीं है। वो तो बढ़िया रहा नहीं है, नहीं तो आती भी नहीं है, बड़ी टफ भाषा है ना। दूसरा और देखो, इसमें सबसे सरल व्यवहार किसका रहा? मतदान को लेकर। आप जानते हो नेताजी को तो किससे मतलब होता है? वोटों से मतलब होता है। और मतदान को लेकर विवाद संविधान सभा में थे ही नहीं, बड़ी शांति से काम इसमें हो गया। ये किरोड़ी मीणा लेट कैसे? एक ही मिनट बची है। किरोड़ी मीणा सर, इतनी लेट कैसे? सर आज लेट हो गया। एक ही मिनट बची है बेटा अब तो। हाँ सर, वो लेट हो गया। रेगुलर कंटिन्यू आया करो, है ना? हाँ सर। ठीक है, आप अभी इसको रिवाइज जब करेंगे तब फिर कभी देख लेना, है ना? अभी हमने क्या पढ़ा? संविधान की प्रक्रिया कार्य प्रणाली। तो इसमें क्या होता था? बहस हुई और संविधान सभा में बहस हुई। संविधान सभा में आक्रामक सवालों के जवाब दिए गए, आक्रामक होकर भी जवाब दिए गए, लेकिन पर्सनली कोई मुद्दा यहाँ पर नहीं हुआ है। फिर उसमें मतदान हुए, मतदान के परिणाम निकले और शांतिपूर्वक जिस पर मतदान में विजेता हुई उसको जोड़ लिया गया, जो मतदान में हार गए उन तत्वों को हटा दिया गया। देखो पॉलिटिकल साइंस है ना, थोड़ा सा सेंसिटिव मैटर भी आएंगे। जैसे अपने सेंसिटिव मैटर धर्म से संबंधित आते हैं, है कि नहीं है? बहुत सारे लोग कहते हैं धर्म की शिक्षा हमें देनी चाहिए, तो ये थोड़ा सा सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है। जैसे संविधान के सवाल हैं, शासन से संबंधित भी कई मुद्दे आएंगे। जैसे आप कांग्रेस को अच्छा मानते हो, मैं उसकी बुराई कर देता हूँ, आप बीजेपी को अच्छा मानते हो, मैं उसकी बुराई कर देता हूँ, तो थोड़ा सा तनावपूर्ण माहौल हो जाता है। तो यहाँ हमारे पर्सनल से सवालों से कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब किससे है? केवल एजुकेशन से है। ठीक है, आज तो टाइम अप हो गया। कोई सवाल पूछना हो तो बताओ बेटा।